बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें और दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो इस हफ़्ते, इस वीक के यानी कि 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कुछ वज़ाइफ दूंगी। जैसे कि हर एवरी वीक मैं आपको जेम स्टोन जो रिकमेंड करती हूँ, कुछ सदकात भी बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और बताइएगा मेरी वीडियो, मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है। तो स्कॉर्पियंस कि जो प्लैनेट्स के इस हफ़्ते ट्रांजेक्शन है, मर्करी जो है वो जा रहा है टॉरस में और विनस जो है वो जा रहा है पाइसिस में। तो विनस की वजह से और मर्करी की वजह से, विनस की वजह से आपकी सैर व तफरी हो सकती है, या किसी के पास मेहमान एज़ ए मेहमान जा सकते हैं, या आपके पास मेहमान मेहमान आ सकते हैं, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, या आपके इन लॉज से जो अख्तलाफात थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टी के, इनहेरिटेंस के जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए। आपका रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो चीज़ें बिल्कुल जो बंद हो गई थी, जो चैप्टर क्लोज हो गए थे, वो दोबारा से रीओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको मरकरी थोड़ा खबरदार कर रहा है कि इस वक्त, इस हफ्ते अगर इस ये कोई मामला, कोई सिचुएशन बनती है तो आपने अपना दिमाग जो है वो हाजिर रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको नुकसान या आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंच सके या कोई इंसान आपको यूज़ कर सके। तो अपने माइंड को थोड़ा मैच्योर रखें और अपने दिमाग को हाजिर रखें स्कॉर्पियंस। और स्कॉर्पियंस के लिए टैरो कार्ड्स में देख लेती हूँ। कारोबारी मामलात स्कॉर्पियंस के आप बहुत ज़बरदस्त, आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा, जो लोग जिन लोगों को पता नहीं है कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उनको कोई डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई इंटरव्यू कॉल मुझे आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब भी इस हफ़्ते मिल जाए, क्योंकि जॉब, करियर और पैसे का जो हाउस है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और आपका टैरो जो है वो भी पैसों को इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है आपको कहीं से आपकी रकम फंसी हुई थी, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की थी, या जो भी है काफ़ी अरसे से जो आपने बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर दी थी, तो वहाँ से आपको पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो इस हफ़्ते सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं हर हफ़्ते वज़ायफ़ और सदकात आपको रिकमेंड करती हूँ, स्टोन्स बताती हूँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इन सदकात और वज़ायफ की वजह से आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। तो स्कॉर्पियंस के लिए सूरह रहमान आपने रोज़ाना एक मरतबा कम से कम ज़रूर इसका विर्द करना है। अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ लें और सूरह रहमान रोज़ाना आपने पढ़ना है, किसी भी टाइम, जब भी आप फ्री होते हैं आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ आपने आधा किलो गोश्त, बड़े का हो, छोटे का हो, चिकन का हो, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं दे सकते तो आधा किलो आप लाल दाल आप सदके के तौर पे ज़रूर दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो मैं स्टोन्स आपको रिकमेंड हर हफ्ते करती हूँ, सेम स्टोन्स हैं, ओपल एंड पर्ल आपके लिए मुआफिक स्टोन्स हैं, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और आपकी ज़िंदगी जो रुकी हुई है वो प्लैनेट्स की वीकनेसेस की वजह से होता है, या आपके कामों में डिले है, रुकावटें हैं, और हम समझते हैं कि ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो आपके चीज़ें नहीं हो पा रही, आपको जो चीज़ें मिल नहीं पा रही, आप सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं इतनी सारी कोशिशों के बाद। तो ये सारे जो हाउसेस में वीकनेसेस होती हैं हमें नहीं समझ आती है, एक एक्सपर्ट
ही इसको जो है कैलकुलेशन के ज़रिए आपको गाइड करता है। तो फिलहाल स्कॉर्पियंस के लिए ओपल और पर्ल आप स्टोन ज़रूर पहने। और अगर आपको जर्नल रीडिंग या पर्सनल कुछ पूछना है, आपको गाइडेंस चाहिए, कैलकुलेशंस करवानी है, जेम स्टोन रिकमेंडेशन चाहिए, वज़ाइफ स्पेशल वज़ाइफ या कुछ सदकात आपकी डेट ऑफ बर्थ और के हिसाब से आपको पूछना है, तो नंबर मेरा स्क्रीन पर चल रहा है, आप नंबर जो है वो डायल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मुझसे रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।